हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो, ईद के मौके पर अपने भाईजान की मूवी किसी का भाई किसी की जान ऑलमोस्ट लग चुकी है और लोगों का रिव्यू वगैरह भी आ चुका है। तो मैं ही लेट हूँ। क्यों लेट हूँ? क्योंकि मैं लेट ही होता हूँ, क्योंकि मेरा कोई मेरी फिक्र नहीं करता, मैं किसी और की भी फिक्र नहीं करता। जब मस्त जब उठो तभी सवेरा, तो वही सेम फंडा है। और फिर मैं भाई अभी क्या ही बात करूँ, मैं इस मूवी के बारे में बात करूँगा तो मुझे लगता है कि एक मूवी और रिलीज हो जाएगी जो कि मेरा ये वीडियो होगा। तो फिर देखो, अभी ट्रेंड चल रहा है कि हर एक मूवी को दो पार्ट में लाया जाए, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस रिव्यू को दो पार्ट में रिलीज करता हूँ। क्यों, क्या ख्याल है? जरूर बताना। तो चलो, उससे पहले मैं इसके आगे बात करूँ, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से लेकर। देखो, ये ईद के मौके पर ये रिलीज हुई फैमिली फिल्म, जो कि मैं बोलूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बात कर लेते हैं जो लोग इसको मजे या उड़ा रहे हैं और फिर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। इसको जो है शूट जो किया गया है, अपने फाज साहब जी ने शूट किया है, तो वो एकदम आज के दौर के युवा को देखकर नहीं डायरेक्ट किया है। क्योंकि आजकल के युवा देखो मस्त एकदम घमंड में घूम रहे हैं, उनको ज़रा भी नॉलेज नहीं है फैमिली किस तरीके से चलती है। फैमिली को चलाने के लिए दिमाग नहीं, इमोशन की ज़रूरत होती है। और फिर जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया, देखा जाए तो हर एक मूवी हर एक फैमिली वाला बंदा इसको फुल एंजॉय करेगा अपनी फैमिली के साथ। लेकिन अभी गलतियाँ की बात की जाए तो गलतियाँ क्या है? गलतियाँ ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है कि ये एक मूवी है और मूवी जो दिखाती है, जाओ इंटरटेन हो जाओ, बस यही बात है। और फिर चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें अभी क्या है मूवी में रियलिस्टिक दिखाना ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी देखा जाए ट्रेन सीक्वेंस में हम लोगों को भाईजान दिखाते हैं कि मार मोर के एकदम सबको सोला दिए हैं, एकदम चाकू को मार के एकदम मार दिए हैं। और फिर लोग बोल रहे हैं पुलिस नहीं है, तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है ना। भाई जी ने सीधे इनडायरेक्टली मोदी जी को टारगेट किया है, क्या समझे? क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि देश में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, पुलिस लोग की सीटें जो है खाली हैं, तो पुलिस कहाँ से जाएगी है? बताओ, जा पाएगी पुलिस? तो जब पुलिस है ही नहीं इंडिया में, तो कैसे जाएगी मेट्रो ट्रेन में लोगों को पकड़ने, इन लोगों को? तो ये चीज़ें भाई ने सीधा मैसेज दिया है मोदी जी को, तुम ये बात समझो, तुम लोग समझते नहीं। और जो शुरुआत में वो बंदे इमोशनल में दौड़ते हुए जाते हैं भाई के पास और भाई जी बैठ के तो खेलते रहते हैं और फिर आके गले लग जाते हैं। देखते हैं अपने भाई लोग आ रहे हैं, अपने गले लगने भाई बल्ला छोड़ के जाके गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। तो ये तुम लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई जी उनको ये आहट हो जाती है कि कौन आ रहा है, कौन क्या सोच रहा है। अभी देखो शुरुआत में वो गुंडे से इतने दूर से बात कर लेते हैं, कमाल की टोपोलॉजी यूज़ की है उन्होंने, कमाल का प्रोटोकॉल उनके पास है, एकदम श्रिंक कर लेते हैं भाई जान। तो ये तुम लोग नहीं समझ पाते हो, ये चीज़ बातें केवल वही समझता है जो भाई जान को समझता है। वो बोलते हैं ना किक में कि मैं आता हूं। क्या बोलते समझ हैं? में नहीं। हाँ, भाई जान समझ में नहीं आते, भाई जान दिल में आते हैं। तो यही फंडा है, तुम लोग अगर जानोगे तो फिर तुम ये मूवी को इंजॉय कर पाओगे। अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे तब जाओ भैया अपना देखो, फास्ट आ गया है टीचर और मस्त उस पर रिव्यू करो और मस्त सीटी बजाओ। हाँ, तो भाई देखो सीटी बजाएंगे भाई जान आ जाएंगे, या फिर सीटी बजा देंगे कुछ टॉमी लोग कुत्ते लोग आ जाएंगे, लेकिन हम तो सीटी बजाएंगे, भाई जान आएंगे तो हम लोग सीटी और ताली बजाएंगे। तुमको क्या लेना देना, हम तो ऐसे ही करेगा। और फिर भाई जान पे उंगली। और यार एक चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जमी यार, पूजा हेगड़े जब भाई जान को जान बोलती है भाई, उस समय मेरे को इरिटेट होता है। भाई जान मैं तो भाई बोलता हूँ यार देख लो भाई कितनी उम्र है, 60 की उम्र के हैं और तुम जान बोल रही हो, उनके पोती की उम्र की हो भाई। ये चीज़ें मुझे सच में बहुत बियर्ड लगी और इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पूजा को मेरे को जान बोलना चाहिए यार, भाई जान को जान बोल रही हैं हैं। भाई यार वैसे भी एकदम सख्त लौंडे हैं, निशाना कहीं मारना चाहिए। दिल इधर घायल होने के लिए तैयार बैठा है, तुम पत्थर पर निशाना साध रहे हो। फिलहाल चलो जिसकी जो इच्छा, जिसकी जो मन इच्छा, वो इच्छा पूरी हो,
फिलहाल हम भी क्या वेटिंग लिस्ट में हैं, किसी दिन हमारे भी सीट बुक हो जाएगी। तो चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपने भाई को कोई हेट नहीं करेगा, जो हेट करेगा ना उसको हम लेस डांस छोटू मोटू का गाना सुना देंगे, समझे कि नहीं, लेस डांस छोटू मोटू। चलो फिलहाल तुम लोग अभी तक देख रहे हो ये वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।